पॉलीनोमियल दे इस चौथे वीडियो दे विच आप सब दा एक बार फिर तो स्वागत है। दोस्तों असी अज करांगे नौवीं क्लास दा गणित विषय दा चैप्टर जिहड़ा चल रहा है पॉलीनोमियल उहदा एक्सरसाइज 2.2। इस तो पहले तीन वीडियोज़ अगर तुसी देखना चाहते हो उहदा लिंक मैं इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन च दे देंगा, तुसी काइंडली उत्थों जाके चैक कर सकते हो और तुसी देख सकते हो। जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगे लगन तुसी अपने दोस्तों नाल भी शेयर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त विनोद ते तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल। बच्चे हुण असी करांगे एक्सरसाइज 2.2। इहदे विच मैं पहला सवाल पढ़ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, बहुपद का मुल पता करो। किहड़ा बहुपद है? 5x माइनस 4x दी 2 जमा 3। इहदा असी मुल पता करना है जदों x दा मुल 0 होवे, x दा मुल माइनस 1 होवे, x दा मुल 2 होवे। साढ़े छोटे ये तीन सवाल ने, असी सब तो पहला असी पहले सवाल दे वाले पासे देखते हैं। पहला सवाल साढ़ा की है, x बराबर है 0। पहले सवाल का पहला भाग, असी पहला बहुपद लिख लिया। बहुपद है साढ़े को 5x माइनस 4x स्क्वेयर जमा 3। हुण असी की करना है, जिथे जिथे x लिखा है तुसी देख ही रहे हो, जिथे जिथे x लिखा है उहदी उहदी जगह दे उत्ते असी की भरांगे 0, ते जिहड़ा फिर साडा आंसर आएगा वह असी लिख देंगे। साडा आ गया 5 × 0 माइनस 4 × 0 की घात 2 जमा 3। 5 नूं जदों असी 0 नाल गुणा किया साडा 0 आ गया, जदों असी 0 नूं 2 बारी गुणा किया 0 आ गया, उहदे बाद 4 नाल गुणा किया तां वी 0 आ गया जमा 3। इहदा मतलब आंसर साडे कोल की आ गया, पहले सवाल का जिहड़ा आंसर आया वह साडा आया 3। हुण असी करांगे दूसरा सवाल। बहुपद साडा उही रहेगा, एक्स का मुल है माइनस 1। बहुपद असी पहले एक बार लिख लैने, 5x माइनस 4x स्क्वेयर जमा 3। जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे असी भरांगे माइनस 1। माइनस 1 भरिया, इत्थे भी माइनस 1 भरिया, ते जमा 3। देखो जदों असी 5 नूं माइनस 1 दे नाल गुणा करांगे साडा जवाब आएगा माइनस 5। जदों असी माइनस 1 नूं 2 वारी गुणा करांगे ते साडा जवाब आएगा 1। तुसीं गल याद भी रखनी है, मैं साइड तुहानूं करके भी दस दिंदा। जदों असी माइनस 1 नूं 2 वारी गुणा करदे हां ना, तो साडा जिहड़ा आंसर है वह 1 आंदा है। जदों माइनस माइनस नाल मल्टीप्लाई होएगी तो जमा का निशान आ जाता है, 1 आ गया, जमा साढ़े को जिहड़ा 3 बचे हुए सी वह आ गया। यह साडा कितना आ गया, माइनस 5 माइनस 4 जमा 3। माइनस 5 ते माइनस 4 नूं असी जदों जोड़ांगे साडा आएगा माइनस 9 जमा 3, और साडा जिहड़ा आंसर है वह बचो कितना आ गया, माइनस 6। दूसरा आंसर भी साढ़े कोल आ गया। हुण असी करांगे तीसरा सवाल, पहले सवाल का तीसरा भाग, जदों साढ़े कोल एक्स बराबर है 2 है। असी फिर पहलां दी तरह ही मैं बहुपद जिहड़ा है वह लिख रहा, तो जिथे जिथे साढ़े कोल एक्स है, जिवें साढ़े कोल एक्स है, एक्स है उत्थे असी 2 भरांगे, 2 एक्स की जगह 2 स्क्वेयर भी है, स्क्वेयर पाना नहीं भुलना। एक गल का ख्याल रखना, स्क्वेयर का जिहड़ा साइज है थोड़ा आधार नालों छोटा होएगा तो उहदे च फिर गलती लगन के जिहड़े चांस ने बहुत घट जाते हैं। 5 × 2 = 10 आ गया, माइनस 4 × 2 = 4 आ गया, जमा 3 आ गया। साढ़े कोल की आ गया, 10, 4 × 16 आ गया, जमा 3 आ गया। जां इस तरह कह लिए,
10 और 3 13 माइनस 16 तो साढ़े को जो आंसर है वो तुम जानते ही हो वो आ गया माइनस 3। ये साडा पहला सवाल ते उदे जिहड़े 3 भाग सी। हुण असीं करांगे दूसरा सवाल। फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। हेठ लिखे बहुपदों के विच पी ऑफ 0 का असीं मुल कढ़ना है, पी ऑफ 1 का मुल कढ़ना है ते पी ऑफ 2 का मुल कढ़ना है। बिल्कुल पहले दे वांग ही है, बस थोड़ी जी चेंज है। चलो असं करते हैं, तुम समझ आ जाएगी। असं की करते हैं, असी लिखिया पहला जो दूसरा सवाल सी, दूसरे सवाल का पहला भाग पी ऑफ वाई साढ़े को है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई जमा वन। हूँ असी पहला असी मुल कढ़ा पी ऑफ 0 का, पी ऑफ 0 ठीक है जी। पी ऑफ 0 का मुल कढ़ने लिए साढ़े को है पी ऑफ 0 आ जाएगा, इतने वाई की जगह असी 0 भरिया वह स्क्वेयर इतने भी 0 आ गया जमा 1, साढ़े को आ गया 0 माइनस 0 जमा 1 बराबर है 1। पी ऑफ 0 का जोड़ा मुल है वह है 1। हूँ वारी है पी ऑफ 1 दी। पी ऑफ 1 असी उसे बहुपद के भरेंगे, सॉरी 1 भरना सी, पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 इक्वल जिते जिथे वाई है उत्थे उत्थे उसे 1 भरना है, 1 का स्क्वेयर माइनस इतने भी 1 इतने भी 1, 1 माइनस 1 जमा 1। तो मैं लगता है कि साडा आंसर है वो आ गया 1 नाल 1 कटेगा 1 जवाब आ गया, तो भी 1 आया। हूँ असं भरेंगे पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 क्ढन के लिए पी ऑफ 2 क्ढन के लिए असं की करेंगे, इतने 2 भर देंगे साढ़े को आएगा 2 का स्क्वेयर आ जाएगा उत्ते माइनस 2 जमा 1, तो बचे वो 2 दूनी 4 आ गया साढ़े को माइनस 2 जमा 1, तो 4 और 1 5, 5ों 2 क्ढे साडा जवाब की है 3 आ गया। ये साडा पहला सवाल सी जिहड़ा असी पहले सवाल दूसरे सवाल का पहला भाग सी जिहड़ा असी हल कर लिया। आंसर साढ़े को आया 1 आया, दूसरा भी 1 आया, तीसरा साढ़े को है 3 आया ठीक है जी। हुण असी करांगे सवाल नंबर इसे दा दूसरा दूसरा भाग। दूसरा सवाल है साढ़े को, मैं लिख रहा पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 + t प्लस 2t² माइनस टी दी पावर 3। हूँ असी पी ऑफ पहला कढ़ांगे 0 इसे दे वास्ते ही, उसके वास्ते साढ़े को है इतने साढ़े को पी ऑफ 0 आ गया। असी जिथे जिथे टी है उत्थे उत्थे असी 0 भरेंगे, 0 इतने भी 0 का स्क्वेयर आ जाएगा, इतने 0 की पावर 3 आ जाएगी साढ़े को आ गया 2 0 ए भी 0 ए भी 0, तो साढ़े को आंसर जोड़ा है यदा की आ गया। हुण पी ऑफ 1 दे लई जिहड़ा असी पी ऑफ 1 कढ़ना है उहदे वास्ते 1 दा मुल उहदे विच 1 भर दो जिथे जिथे टी है, इत्थे आ गया 2 इत्थे आ गया 1 इत्थे आ गया 2 इत्थे 1 दा स्क्वेयर आ गया, इत्थे 1 दी क्यूब कह लो जां 1 दी पावर 3 आ गई, साडे कोल की आ गया 2 जमा 1 इह 2 ही आ गया और इह माइनस 1 आ गया। इस 1 दे नाल 1 असी कह सकते हैं कटे गया जां कह लो माइनस किया 2 दे 2 साढ़े को आंसर आ गया 4। तो इसे सवाल का जो तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है पी ऑफ 2 वो असी कढ़ांगे, इतने 2 आ गया जिथे जिथे टी है उत्थे उत्थे असी 2 भरी जाना,
इतने दो आ गया, इतने साढ़े को दो की घात दो आ गई, इतने साढ़े को दो की घात कितनी आ गई, तीन। चलो साढ़े को दो आ गया, इतने भी साढ़े को दो ही आ गया। ए दो की घात जो असी दो करनी है तो साढ़ा चार आ जाना है, जो असी चार नू दो नाल मल्टीप्लाई करना है साढ़ा अठ आ जाना। दो की घात तीन मैं दस देना इतने करके, जो असी दो नू तीन बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े को आंसर जोड़ा है वह अठ आता है, इस करके इतने भी साढ़ा की आ गया अठ। अठ नाल अठ कटे गया, यदा मतलब साढ़े को जवाब जोड़ा है वह आ गया चार। इस प्रकार असं देखते हाँ कि साढ़े को तीन जोड़े जवाब ने, एक साढ़े को दो है, एक साढ़े को चार है, एक साढ़े को चार है। दो सवाल जोड़े है वह असं हल कर चुके हाँ, हूँ असं करेंगे तीसरा सवाल। हुण वारी है तीसरे सवाल की, दूसरे का तीसरा, दूसरे भाग का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा भाग। साढ़े को पहला असं कढ़ांगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी एफ जीरो कढ़ांगे, उहदे वास्ते साढ़े को की है जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे असं जीरो भर देना है। तो बच्चों मैनू लगता नहीं है कि ये कुछ औखा है, जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो तीन बारी गुणा करनी असी, साडा आंसर जीरो आ गया। एक दे लई इतने असी पी एफ एक आ जाएगा साडा, इतने असी एक की घात तीन लिख देंगे, तो मैं लगता है कि एक नू तीन बारी गुणा करो चाहे जिन्नी बारी मर्जी करो वह आंसर एक ही आता है। तो इसे सवाल लई पी एफ टू इज इक्वल टू इतने असी दो भर देंगे, इतने साढ़े को दो की घात तीन आ जाएगा, दो की घात तीन तो भाव दो नू किन्नी बारी गुणा करना, तीन बारी, साढ़ा आ गया अठ। भाव यह हो गया कि इस सवाल के साढ़े आंसर की आए, एक जीरो आया जो पी एफ जीरो सी उदों जीरो आया, जो पी एफ एक सी उदों एक आया, जो पी एफ दो सी उदों साढ़ा अठ आया। हुण असी दूसरे सवाल का जिहड़ा चौथा पार्ट हैगा वो असी करांगे। मैं स्टेटमेंट पहला लिख लाँ, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। सब तो पहला पी ऑफ जीरो दे लई असीं इत्थे कढ़ांगे पी ऑफ जीरो इक्वल जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे असीं की भरांगे, जीरो जीरो माइनस एक, जीरो जमा एक, जीरो माइनस एक हो गया, इन गुणा करेंगे किहदे नाल एक नाल, तो आंसर आ गया माइनस एक। हुण असीं करांगे पी ऑफ वन, पी ऑफ वन दे लई इत्थे वन आ गया, जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे एक आ गया, एक माइनस एक आ गया, इस पासे की आ गया एक जमा एक आ गया, साढ़े कोल एक माइनस एक जीरो आ गया, इत्थे साढ़ा दो आ गया, तो असीं जीरो नाल दो नूं मल्टीप्लाई किया तो साडा आंसर जीरो आ गया। हुण असीं कढ़ांगे पी ऑफ दो दे लई, पी एफ टू साढ़े कोल टू माइनस वन आ गया, इधर साढ़े कोल टू प्लस वन आ गया, टू प्लस वन आ गया, इतने असीं वन लिख लिया। दो दे विच एक कढ़िया एक आ गया, दो दे विच एक जोड़िया दो तीन आ गया, तो जो तीन नूं एक नाल मल्टीप्लाई किया तो साढ़ा तीन आ गया। भाव यह हो गया कि साढ़े को जोड़े तीन जवाब आए उनके सब तो पहला है माइनस एक जो पी एफ जीरो सी, दूसरा जवाब से जीरो जो पी एफ वन सी, तीसरा जवाब से तीन जो पी एफ टू सी। साढ़े को तीसरा सवाल है, वेरीफाई वैदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। पंजाबी च मैं अही समझिए, असी ये वेरीफाई करना है, ये असी दसना है कि जेड़ा वो सामने लिखे होया, जिमें मैं दस दिया कि यह सामने लिखे होया एक्स इज इक्वल टू माइनस एक बटा तीन, असी दसना है कि ये पी ऑफ एक्स जेड़ा साडा बहुपद है तीन एक्स जमा एक, वो ये जीरो है कि नहीं है। जीरो तो भाव होंगे कि अगर असी यदा मूल्य भर के देखिए तो की ये जीरो बन जाता है, सीधी जी गल है।
ठीक है, असी एक्स का मूल जड़ा है ये भर के देखना, ज इस तरह कह लिए कि असी इस बहुपद में जेकर हल करिए जीरो के बराबर रख के तो कि एक्स का मूल माइनस एक बटा तीन आ जाता है। असी ये रख के ही देखेंगे कि यह मूल आ जाता है कि नहीं आ जाता। असी की करेंगे, असी जड़ा साडा तीन एक्स जमा एक है, मैं जिम्मे लिख रहा है तीसरे सवाल का पहला पार्ट, मेरे को साढ़े को है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू तीन तीन एक्स जमा एक, तो साढ़े को एक्स का मूल किन्ना है माइनस एक बटा तीन। असी माइनस एक बटा तीन ये रख के देखना है कि साढ़े को माइनस एक बटा तीन आ गया, असी भरिया ये माइनस एक बटा तीन तो जमा एक, असी जो इन हल किया तो साढ़े को आ गया तीन गुणा माइनस एक बटा तीन, लिख लो इनू ब्रैकेट च पा लो, तो जो असी देखिया कि तीन नाल तीन कट्टे जांदा है प्लस साढ़े को वन आ गया। हुण असी देखिया कि साढ़े को माइनस एक आ जाता दूजे पास एक आ जाता है, जो असी सॉल्व किया तो यह आंसर कितना आ जाता है जीरो। इहदा भाव यह हो गया कि एक्स बराबर है माइनस एक बटा तीन जिहड़ा साडा बहुपद है, किहड़ा बहुपद है तीन एक्स जमा एक दी सिफर है, ऐसे सवाल। असी इहदा दूसरा पार्ट करांगे, हुण दूसरा पार्ट भी असी इसे प्रकार ही करना है। साढ़े को संख्या है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पांच एक्स माइनस पाई, तो साढ़े को एक्स का जोड़ा मूल है ज इस तरह कह लिए कि जो सिफर है वह चार बटा पाँच है। असी देखना कि चार बटा पाँच जोड़ा है यदा सिफर है ज नहीं है। असी पी ऑफ चार बटा पाँच कढ़ के देखिया, जिते जिते एक्स से उत्थे उत्थे असी चार बटा पाँच भर देना माइनस पाई, तो मैं लगता पांच नाल पांच तो साढ़ा कट गया पांच एकम पांच पांच एकम पांच, साढ़े को आ गया चार माइनस पाई। साढ़े को पी ऑफ चार बटा जोड़ा पांच है वह चार माइनस पाई आया जोड़ा कि जीरो के बराबर नहीं है। साढ़ा अगर सिफर आ जाता तो असी कहना सी कि बहुपद जोड़ा साढ़े को पांच एक्स माइनस पाई है वो सिफर है, लेकिन नहीं आया। यदा मतलब असं ये लिखा कि जिहड़ा एक्स बराबर है चार बटा पाँच है वह बहुपद जिहड़ा बहुपद साढ़े को है बहुपद कड़ा है पाँच एक्स माइनस पाई दी सिफर नहीं है। तीसरे सवाल का तीसरा भाग, साढ़े को बहुपद है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक, ये साढ़े को एक्स के मूल साढ़े को दो हैं, एक बारी एक भरेंगे दूसरी बारी माइनस एक भरेंगे। चलो करके देखिए, असी पहला एक्स का मूल जोड़ा है एक्स बराबर है एक दे साढ़े को पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पर साढ़े को लै लें एक बारी एक्स स्केयर माइनस एक, इतने मैं लिखा पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्केयर आ गया माइनस एक बराबर है एक माइनस एक बराबर है जीरो। जीरो आ गया यदा मतलब कि एक्स बराबर है जोड़ा एक है वह बहुपद कड़ा बहुपद है एक्स स्केयर माइनस एक दी सिफर है। जोड़ा दूसरा पार्ट है यदा असी एक्स बराबर है माइनस एक दे साढ़े को पी ऑफ माइनस एक आ जाएगा बराबर है एक्स स्केयर माइनस एक है, जिते जिते साढ़े को माइनस एक भरेंगे अभी ये माइनस एक का स्केयर माइनस एक एक का स्केयर एक आ गया यह मूल भी जीरो आ गया। यदा मतलब एक्स बराबर है माइनस एक दे साढ़े को जोड़ा बहुपद है वो एक्स स्केयर माइनस एक दी सिफर है। ठीक है जी, एक बार फिर मैं समझा देना
कि असी इहदे विच दो तरह नाल सवाल करना सी, एक बारी असी एक्स दा मोल एक भरना सी, एक बारी माइनस एक भरना सी। जदों असी एक भरिया साडा तां भी आंसर किन्ना आया, सिफर। इहदा मतलब ओह उहदी सिफर है। जदों असी माइनस एक भरिया तां भी साडा सिफर आया, इहदा मतलब ओह उहदी सिफर है। हुण असी सवाल करांगे चौथा पार्ट इहदा। चौथा पार्ट है मेरे कोल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ते एक्स माइनस टू, ते जिहड़ा एक्स दा मुल है वह है माइनस एक और दो। इनू असी भरना है। आओ देखिए, पहला असी भरांगे एक्स बराबर है माइनस एक। एक्स बराबर है माइनस एक दे लई साडे कोल पी ऑफ एक जिहड़ा है, सॉरी पी ऑफ माइनस एक जिहड़ा है वह साडे कोल आ जाएगा माइनस एक जमा एक, इस पास की आएगा माइनस एक माइनस दो। तो माइनस एक और माइनस असं जीरो आ गया, जीरो नूं असीं जिहदे नाल मर्जी गुणा करिए साडा जवाब किन्ना आ गया जीरो। इहदा मतलब कि एक्स माइनस एक जिहड़ा है वह बहुपद साडे कोल, कहड़ा बहुपद है एक्स जमा एक तो एक्स माइनस दो दी सिफर है। हुण दूसरी बारी असी दो बारी देखिए, दो दिन और चेक करिए। जदों साडे कोल एक्स दा मोल साडे कोल दो है, चेक करते हैं, तो साडे कोल पी एफ टू साडे कोल की बन गया दो जमा एक ते दो माइनस दो। तो दो जमा एक तो साडा तीन बन गया, लेकिन दो माइनस दो किन्ना आ गया जीरो। यह भी साडा आंसर जीरो आ गया। इहदा मतलब कि एक्स बराबर है दो बहुपद, कहड़ा बहुपद है सेम बहुपद है एक्स जमा एक ते एक्स माइनस दो दी सिफर है। असी एक बार फिर रिपीट करिए। असी यह देखिया कि असी एक बारी एक्स बराबर माइनस एक दे नाल करना सी, एक बारी दो दे नाल करना सी। जदों असी माइनस एक दे नाल चेक किया तो साडा जीरो आ गया, तो इहदा मतलब उस बहुपद दी सिफर है। एक्स इज इक्वल टू वन जिहड़ा है वह बहुपद है, जिहड़ा बहुपद है एक्स जमा एक एक्स माइनस दो दी सिफर है। जदों असी एक्स दा मुल दो भरिया तो तां भी साडा आंसर जीरो आया। इहदा मतलब कि एक्स बराबर दो भी बहुपद एक्स जमा एक एक्स माइनस दो दी सिफर है। एक्सरसाइज 2.2 दी असी तीसरा सवाल जिहड़ा कर रहे हैं, उहदे विच मैं तुहानूं चार सवाल जिहड़े करवा दित्ते ने। समय की कमी करके मैं अगले सवाल जिहड़े चार रहिंदे ने वह तुसी आप करने ने, तुसी आप करके अपने अध्यापक कोलों चैक करवा लेने ने, ते मैं हुण करांगा चौथा सवाल। तो आओ करिए। तो बच्चे हुण असी करांगे सवाल नंबर चार। सवाल नंबर चार दे विच की है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसिस। सिफर पता करो बहुपद दी। हेठ लिखे सवालों के सब तो पहला असं लिखेंगे जो सवाल साडा हैगा है, चौथे का पहला। चौथे सवाल का पहला भाग साडे कोल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस फाइव। इस बहुपद की सिफर पता करने के लिए असी बहुपद जिहड़ा साडे कोल है पी ऑफ एक्स उहनूं असी सिफर के बराबर ही रख देंगे। उहदे नाल की होएगा साडा जिहड़ा एक्स जमा पंज है वह साडा सिफर के बराबर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों तुसीं जानते ही हो कि जो असी इतों एक्स का मुल कढ़ना है जिहड़ा ये पंज है ये चल जाएगा दूसरे साइड पर, तो इहदा निशान जिहड़ा है वह चेंज हो जाएगा। यह सी चौथे का पहला भाग। हुण असी करांगे चौथे सवाल का दूसरा भाग। दूसरा भाग है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस पंज। बड़े सौखे सवाल ने, औखा कुछ नहीं है। सिफर पता करने के लिए पी ऑफ एक्स नूं असीं जीरो दे बराबर रखांगे, मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस पंज बराबर है जीरो, तो एक्स बराबर है पंज आ गया। एक्स जिहड़ा पंज है ये इहदी एक्स बराबर है पंज इस बहुपद की सिफर है। असीं तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल के मेरे को स्टेटमेंट दे विच है दो एक्स जमा पंज। उस प्रकार ही करांगे पी एक्स नूं असीं
जीरो दे बराबर रखांगे। इहदा भाव हो गया 2x जमा जिहड़ा 5 सी वह भी जीरो दे बराबर हो गया। इत्थों असीं 2x बराबर है साडा -5 हो गया। तो x दा मुल जिवें तुसीं जानदे ही हो कि 2 जिहड़ा है वह बटे दे विच आ गया। देखो इन्हां तिन्नां सवालों नूं असीं एक बार फिर रिवाइज़ कर रहे हां। पी ऑफ एक्स साडे कोल एक्स प्लस 5 है, इहदे असीं इस बहुपद की सिफर पता करनी है। सिफर पता करन तो भाव कि जेकर असी मैं इत्थे तुहानूं लिखदा कि इहदी जिहड़ी सिफर साडे कोल आई वो आई एक्स माइनस एक्स बराबर है -5। अगर असी इत्थे पी ऑफ -5 भर दीए तो साडा जिहड़ा जवाब है एक्स की जगह पर -5 आएगा और इत्थे भी 5 आएगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। बस यही है कि इत्थे असी की भरीए एक्स की जगह के उत्ते जो ये सिफर बन जाए, यही इहदा आंसर है। दूसरा सवाल चेक कर दें, पी ऑफ एक्स साडे कोल की है एक्स -5, जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे असी 5 भरिया, साडे कोल पी ऑफ 5 जिहड़ा है वह की आ गया 5 -5 बराबर 0। इसी प्रकार जिहड़ा तीसरा सवाल है वह भी उसी प्रकार ही है, यह तुसीं आप ट्राई कर लेना। हुण असीं करांगे सवाल नंबर चौथा। चौथे सवाल दे विच साडे कोल स्टेटमेंट है चौथे सवाल का चौथा स्टेटमेंट मैं एक बार फिर तो देख रहा। स्टेटमेंट दे विच है साडे कोल 3x-2 पी ऑफ एक्स 3x-2। चलो असी करिए, मैं पहला भी दस्या कि असी पी ऑफ एक्स नूं 0 दे बराबर लिखना है। इहदा भाव हो गया कि 3x-2 है ये 0 दे बराबर आ गया। जदों 3x-2 0 दे बराबर आ गया तो साडा जिहड़ा 2 है दूजे पासे चला गया, इस साइड साडे कोल 3x रह गया। और तुहानूं पता है कि यह जिहड़ा 3 है यह भी दूसरे पासे जाके ते बटे दे विच चला जाएगा। साडे कोल आंसर आ गया 2/3। एक्स का जिहड़ा मुल है जिहड़ी सिफर है वह 2/3 है। सवाल नंबर असी करांगे पंजवा, पिछों देखते हैं। पंजवा सवाल है पी ऑफ एक्स इक्वल 3x, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x। बिल्कुल सेम सवाल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और इट मीन्स 3x बराबर 0, एक्स बराबर है 0/3, जिहड़ा कि 0 ही आ जाता है। यदा मतलब जी एक्स की जी सिफर है, इस बहुपद की सिफर है, वह साढ़े को 0 ही है, सिफर ही है। इस तो बाद है छेवां सवाल। देखो छेवें सवाल के साथ की है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। आओ लिखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जिथे साडे कोल ए जड़ा है वो 0 दे बराबर नहीं है। चलो उसे प्रकार ही करांगे क्योंकि सानू पता है ए 0 दे बराबर नहीं है, यह भी साडी कंडीशन कितने ना कितने इस सवाल दे विच लगेगी। असी लिया पी ऑफ एक्स नू 0 दे बराबर, यदा मतलब साडा ए एक्स भी साडा 0 दे बराबर आ गया। जदों साडा ए एक्स 0 दे बराबर आ गया, यदा मतलब एक्स बराबर है 0/a आ गया। हुण इत्थे असी जानते हाँ, सानू पता है, असी जानते हाँ कि ए जड़ा है वो 0 दे बराबर नहीं है, इसलिए जे ए 0 दे बराबर नहीं है तो यदा मतलब जड़ा एक्स का जड़ा मुल है वो होएगा 0। अगर ए का मुल 0 दे बराबर आ जाता है फिर इसनों असी लिखेंगे कि यह परिभाषित नहीं है, लेकिन इस वेले उन्हें कंडीशन सानू दे रखी है कि ए का जड़ा मुल है वह 0 दे बराबर नहीं है। हुण असी अगला सवाल जिहड़ा है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है, असी वो करांगे। लास्ट सवाल देखिए की है, सतवां सवाल, पी ओफ एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, तो जिहड़ा सी है वह 0 दे बराबर नहीं है और सी और डी जिहड़े ने दोनों ही रियल नंबरस ने, वास्तविक संख्यावां हन सी एक्स प्लस डी।
सवाल नंबर साढ़े सत्तवा है, पी एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जिथे साढ़े को सी जड़ा है वो जीरो के बराबर नहीं है और सी और डी दोनों रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर्स हैं। आओ देखिए, मैं दसिया सी कि पी ऑफ एक्स में जड़ा है जीरो के बराबर रखना, यदा भाव यह हो गया कि साढ़े को जड़ा सी सी एक्स है साढ़े को प्लस डी है वो जीरो के बराबर आ गया, से साढ़े को सी एक्स का मूल जड़ा है माइनस डी आ गया और साढ़े को एक्स का मूल जड़ा है माइनस डी बटा सी आ गया। हुण इत्थे जिहड़ी गल सी जिहड़ी हुण कंडीशन लिखी हुई है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर सी जीरो है तो यदा मुल फिर जीरो नहीं आएगा, माइनस डी बटा सी नहीं आएगा, परिभाषित नहीं है आएगा, लेकिन उन्हें कह रखे है कि सी जड़ा है जीरो के बराबर नहीं है और सी और डी दोनों की हैं वास्तविक संख्यावां हैं, वास्तविक संख्यावां दोनों ही। तो मैनू लगता है कि विद्यार्थी समझ गए होंगे कि इस वेले जो इस सवाल के सत्तवें सवाल का जो बहुपद है यदि जी सिफर है वो माइनस डी बटा सी है, माइनस डी बटा सी नूं इस बहुपद में भरन के उत्ते यदा जो जवाब है पी ऑफ एक्स वो जीरो आ जाता है। तो विद्यार्थियों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, अज का जो पोलीनोमियल का जो एक्सरसाइज असी 2.2 कर रहे थे वो असी कंप्लीट कर ली है, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।